तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि QR कोड को स्कैन कैसे किया जाता है, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी QR कोड को स्कैन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल के टाइम में सभी चीज़ों में, आपके कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए या फिर बुक ले लीजिए, आपको हर जगह QR कोड देखने को मिल जाता है। और उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उस QR कोड को स्कैन करके उसके पीछे जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसे आप अच्छे से देख सकें। बट हमें सही प्रोसेस ना पता होने के कारण हम उस इन्फॉर्मेशन को देख नहीं पाते हैं। और वैसे भी आजकल स्प्राइट जैसे प्रोडक्ट में भी QR कोड स्कैनर का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि स्प्राइट में आजकल बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये ऑफर्स तभी रिसीव होता है जब आप उस स्प्राइट के में दिए गए QR कोड को स्कैन करेंगे, तभी आप उस ऑफर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में QR कोड स्कैनर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और कुछ मोबाइल फ़ोन में आपको QR कोड स्कैनर ऐप पहले से इंस्टॉल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा यह मोबाइल फ़ोन सैमसंग A12 का है, जिसमें कि आपको यहाँ पे QR कोड स्कैनर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, स्कैन QR कोड का, ये पहले से इसमें इंस्टॉल है। यानी कि मैं इसे डायरेक्ट क्लिक करके किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकता हूँ। बट ऐसा फंक्शन सभी मोबाइल फ़ोन में नहीं होता है, तो आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे QR कोड स्कैनर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करके इसमें टाइप कर दीजिए स्कैनर ऐप, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा QR एंड बारकोड स्कैनर का। सो आप सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना पड़ेगा। सो मेरे केस में यह इंस्टॉल हो चुका है। सो इसके बाद मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ, और उसके बाद अगर आपसे किसी तरह का परमिशन मांगा जाता है तो उसको आप अलाउ कर दीजिए। सिंपली आप यहाँ पे अलाउ यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक QR कोड स्कैनर ऐप खुल जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली किसी भी QR कोड को यहाँ पे आप रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस QR कोड को स्कैन करना है, सो मैं यहाँ पे इस QR कोड के सामने रख देता हूँ। और इसके बाद आप यह देख सकते हैं, इस QR कोड को इस ऐप के द्वारा स्कैन कर लिया गया, और उसके बाद मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है इस वेबसाइट में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिल रहा होगा। सो सिंपली आपके सामने जो भी लिंक आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इस लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस लिंक पे क्लिक करने के तुरंत बाद। चूँकि यह जो वेबसाइट था, यह जो प्रोडक्ट था, यह बिस्लेरी का प्रोडक्ट है, जिसके कारण अब मेरे सामने बिस्लेरी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पर बिस्लेरी प्रोडक्ट का QR कोड को स्कैन किया है। आप यहाँ पे चाहे तो स्प्राइट का QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी बुक के QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट के QR कोड को उसके सामने रख करके भी स्कैन कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका QR कोड स्कैनर ऐप से किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करने का। बट एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी QR कोड स्कैनर ऐप को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में वो QR कोड है, तो देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन है फोटो टैप का, आप यहाँ पे एक आइकन आपको शो कर रहा होगा, आप सिंपली इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड फोटो गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो भी गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको जिस भी QR कोड या फिर बार कोड को स्कैन करना है, आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे ये एक फ़ोटो है बीकानेरी भुजिया का, मुझे इसको स्कैन करना है। सो सिंपली मैं इस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आप इस ऐप की मदद से बार कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। सो मैं आपको एक बार लाइव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक बार कोड है, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं। सो मैं सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, इस फोटो वाले ऑप्शन पर। सो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे सामने एक प्रोडक्ट आईडी ओपन हो गई, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें। सो अगर आप चाहें तो इसको वेब सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस वेब सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने एक सर्च ओपन हो जाएगा। सर्च में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बाद आपके सामने एक गूगल सर्च ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भी नंबर था, इससे एक प्रोडक्ट है जो कि बीकानेरी भुजिया वाले का था। यानी कि इस बारकोड को इसलिए बनाया गया था ताकि आप इस बारकोड को स्कैन करके इसके वेबसाइट में जा सके, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इनके वेबसाइट में जाके देख सके। ये तो हुआ किसी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करने का तरीका। आप चाहे तो इसी की जगह में किसी भी बुक का बारकोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के बारकोड या फिर QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।